हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा टुडे से चार्ट मास्टर ग्रुप। तो थर्सडे यानी एक्सपायरी डे, जो कि मंथली एक्सपायरी है, एज वेल एज आपका वीकली एक्सपायरी है। इसके लिए हम निफ्टी की एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम ग्लोबल क्यूज को देख लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे सोच रहे थे, मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, मैं बार बार आपको बोल रहा था, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न हुआ था और इसके बाद मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, इसके बाद एक कन्फर्मेशन अभी तक भी नहीं हुआ है, फिर भी मार्केट एक अच्छा मूव यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, सो लगभग यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट 34,290 के ऊपर सस्टेन कर लेगा, अभी अगर आप देखेंगे यूएस 30 का कंडीशन हम देख लेते हैं, यूएस 30 हमारा 34,247 मतलब ऊपर चल रहा है। तो मेरा जो टारगेट है 34,290 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, अगर सस्टेन कर लेता है तो हमें यहाँ पे, मैं जैसे बोला कि यहाँ पे फिर से हमें 35,600 के तरफ हम देख सकते हैं। तो इसके चलते इंडियन मार्केट में भी पॉजिटिविटी दिख रहा है। एंड निफ्टी में अगर आप देखेंगे, एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी क्या चल रहा है, 18,470 ये नहीं है, 18,330 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है। ठीक है, तो निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं अभी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल में एनालिसिस करेंगे, बड़ा एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि हम इंट्राडे में ही आज काम करने वाले हैं। तो निफ्टी आज जो लेवल पे सपोर्ट लिया है, कल जो इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए बन रहा है, दैट इज 18,247 मतलब 240 का लेवल है, 250 का लेवल आप सोच सकते हैं। तो अगर मार्केट इसके ऊपर या थोड़ा ऊपर सस्टेन कर लेता है, मतलब 18,000 मार्केट 280 या 290 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, तो आपको वेट करना है यहाँ पे, थोड़ा मार्केट यहाँ पे नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये 250 का लेवल को होल्ड कर लेगा तो हमें फिर से यहाँ पे 320 या 330 देख सकते हैं, लेकिन ये जो 18,330 का लेवल है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। तो जब तक इसका नीचे मार्केट है, हमें बड़ा अपसाइड टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर 18,320 के ऊपर, 330 के ऊपर मार्केट ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम 445 के तरफ देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट में इतना बड़ा ओपनिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, लगभग फ्लैट टू 30-40 पॉइंट इधर उधर मतलब प्लस में ओपन हो सकता है, इसके बाद मार्केट ट्राई करेगा फिर से बेस सपोर्ट लेगा, बेस को सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर 18,245 ये लेवल को अगर होल्ड नहीं करेगा, तो हमें डाउन साइड में भी दो टारगेट देखने को मिल सकता है, डेट इज 18,190 एंड अगेन 18,128। तो ये दो भी आप ध्यान में रखिए। तो जब भी आप आज काम करेंगे, छोटा सा एसेट के साथ आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। एंड बैंक निफ्टी का लिखते हैं, बैंक निफ्टी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 42,688 ये जो कंसोलिडेशन लेवल था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कल अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था ये लेवल पे, इसके बाद एक ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, तो ये जो लेवल अभी दिख रहा है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जैसा आपको काम करेगा। अगर यहाँ कहीं आपका मार्केट ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे फिर से आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा, फास्ट टारगेट मिलेगा 48,870, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा कंसियसली काम करना है। ये लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, मार्केट कैन अगेन मूव टू दिस सेम लेवल 42,688 का लेवल। ठीक है, तो ये याद रखिए, मार्केट अगर ये लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है और थोड़ा यहाँ पे सस्टेन कर लेता है, तो आप यहाँ पे अपसाइड की तरफ देख सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऐसे टाइम बिताएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे मार्केट अगर 42,600 ये लेवल को अगर ब्रेक कर लेगा, तो हमें यहाँ पे डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 42,470 का लेवल भी बहुत फास्ट मूव यहाँ पे और डाउनसाइड भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको जो जो लेवल बता रहा हूँ, ये लेवल के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। तो अपसाइड में जो टारगेट मैं आपको बोला, अगर मार्केट में पॉजिटिवनेस आता है, मतलब थोड़ा गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये जो लेवल है, आप यहाँ पे सी में अगर बाय कर रहे हैं, सी पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इससे आगे मार्केट जाने के लिए फिर से मार्केट को ये जो लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ब्रेक कर लेता है, फिर से अपसाइड हम 43,000 का टारगेट देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये लेवल से कल एक अच्छा खासा सेलिंग आया था, आप देख सकते हैं,
ठीक है ना, 150-200 पॉइंट का। तो ये लेवल में भी एक सेलिंग आ सकता है जो कि आपका मार्केट को 42,680 का लेवल तक ले सकता है। एंड इससे नीचे अगर आ जाता है फिर से कंसोलिडेशन लेवल में, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो 42,600 के नीचे हमें फिर से 150-200 पॉइंट का डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग लेवल। आप में जो आपको बताया इसके हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहोगे। थोड़ा वेट कीजिए, जैसे ही मार्केट आपको ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देगा आपको एंट्री करना है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी आप एंट्री कर जाए, अगर ट्रेड नहीं भी बनना है आप ट्रेड बना लेते हो, ऐसे करने से आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट का कंडीशन को देखिए, जो जो कंडीशन में आपको बताया इसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड अगर हम लोग को कुछ अच्छा सा 00 कॉल्स एंड कुछ अच्छा कॉल्स मिल जाता है तो डेफिनेटली विल ट्राई टू प्रोवाइड इन द टेलीग्राम ग्रुप। इसके साथ साथ आज यूजुअल आपको जो हमारा लेवल से निफ्टी बैंक निफ्टी का वो सब आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का लेवल और निफ्टी का लेवल आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।